तो स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन पर। इस वीडियो में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का जो पोस्ट आया है टोटल 40,889 पोस्ट है। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं से कट ऑफ कितना जाता है, और जिन लोगों ने नहीं फिल किया उसके लिए क्या नोटिस है, क्या इंपॉर्टेंट बात है वो भी बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी टोटल कितना आया था और किस राज्य में कितना कितना है। अगर फर्स्ट में देखें यहाँ पर आंध्र प्रदेश में देखिए कितना वैकेंसी है टोटल, यहाँ पर 2480 है, ठीक है। और ओबीसी का यहाँ पर कितना है 483, अनरिजर्व के 1131, उसी प्रकार सभी दिया गया। सभी सबसे ज्यादा वैकेंसी किस राज्य में देखिए, यहाँ पर 1461 जो है ये किस राज्य में है, यहाँ पर बिहार में, ठीक है। 1461 बिहार में कितना है, अनरिजर्व का 667 है, ओबीसी का मात्र 385 दिया गया, एससी का 196, एसटी का 50 दिया गया, ईडब्ल्यूएस का 124 दिया गया। बिहार का कितना टोटल वैकेंसी है 1400, उसको ध्यान से रख लीजिए क्योंकि इसी के आधार पर मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ जो है यहाँ पर पिछले साल का कितना गया था उसी प्रकार आपको इस साल का भी जाएगा, क्योंकि लगभग पिछले साल भी कितना वैकेंसी गया था उसका भी मैं पीडीएफ रखा हूँ, उसको भी बता देता हूँ। और अगर सबसे ज्यादा कहीं वैकेंसी गया है तो यहाँ पर 7987 जो उत्तर प्रदेश का, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश भरा था उनके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन चांस होगा, क्योंकि उसी लोगों का ज्यादा संख्या हो जाएगा, कट ऑफ बहुत कम जाएगा उत्तर प्रदेश का। इसी प्रकार सभी का है, आप पीडीएफ से भी देख लीजिए। टोटल यहाँ पर 40,889 वैकेंसी है। अगर पिछले साल की बात करें तो टोटल यहाँ पर 38,926 पोस्ट की वैकेंसी आया था, लगभग इसी के बराबर है 40,000। तो चलिए इसका कट ऑफ देख लेते हैं पिछले साल का कितना गया था। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो 85 से 90, लेकिन ये गलत दिया गया, ठीक है। और जनरल अनरिजर्व का 88 से 94 नहीं, यहाँ पर बता दीजिए आपको 88 से लेकर यहाँ पर 98 या 100 तक भी गया था पिछले साल का कट ऑफ, क्योंकि मैं आपको बिहार का अभी दिखाने वाला हूँ। ओबीसी का 83 से 88 नहीं, ओबीसी का भी लगभग 94 से 98 तक कट ऑफ गया हुआ, और सबसे मिनिमम जो है 94 है और मैक्सिमम जो 100 भी गया है बिहार का। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है बिहार का पूरे जिसमें जितना सीट था उसमें कितना वैकेंसी ये था और कितना सभी का कटअप गया था। अगर यहाँ पर देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है, इसमें देखिए मैक्सिमम आपको दिख रहा हो यहाँ पर 98.8 है सभी में 98.8, और देखिए मैक्सिमम भी आपको बता देता हूँ। देखिए ओबीसी का भी देखिए यहाँ पर कितना गया है, ओबीसी का देख लिया 98.6 और किसी किसी में 100 भी गया हुआ है, अभी उसी प्रकार देख लेंगे। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ 100 गया हुआ है, ठीक है। इस कौन सा डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पर टोटल 100 कटअप, देखिए सोच भी नहीं सकता कोई 100 भी कटअप जा सकता है, इसलिए सभी में जो मैक्सिमम देखिए 100 गया हुआ और मिनिमम जो मात्र 94 गया हुआ है, ठीक है। अब जो लोग फॉर्म नहीं उनके लिए तो मैं बेस्ट ऑफ लोग बोलता हूँ, क्योंकि बिहार से जिन लोगों का अगर परसेंटेज अगर 90 से 95 के बीच है तो उन्हीं लोगों का बिहार में होगा सिलेक्शन पोस्ट बेस, ठीक है। अगर उससे कम होगा तो किसी का नहीं होना, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा उनके लिए बेस्ट ऑफ लोग, और जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया अगर इतना परसेंट है तभी तो आपको सिलेक्शन होने पाएगा। और चलिए और कैटेगरी का देख लेते हैं। तो इस साल कितना जाने वाला अनरिजर्व का जो है इस साल 88 से लेकर 95 तक रह सकता है, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश का इसी के आधार पर मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश का जो मिनिमम जो आएगा वो 90 तक जा सकता है, और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश भरा था उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है, और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया उनके लिए तो बहुत बुरी बात है। और जिन लोगों देखिए जिस राष्ट्र में वैकेंसी ज्यादा वहाँ का कटअप कम जाएगा, और जिसमें वैकेंसी बहुत कम है उसका कटअप तो हाई जाने वाला है, इसलिए बिहार का भी इस बार ज्यादा वैकेंसी नहीं है तो इसलिए बिहार का उतना भी कटअप हाई नहीं जाएगा, फिर भी लगभग वो 90 क्रॉस या 92 तो पार ही हो जाएगा। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए 80 से 92 जा सकता है, ओबीसी का 85 से लेकर 93 तक जा सकता है, 80 से 85, एससी का ST का 80 से 82 और पीडब्ल्यूडी का 70 से 75 तक जा सकता है, यही मिनिमम कटअप हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो मैंने सभी का पीडीएफ प्रीवियस ईयर का जो लोग देखना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ पर आप सभी का प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। अगर नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट मिलता रहेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।